हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सभी बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिया कुकिंग विद यास्मीन। आज हम बनाने वाले हैं चिकन पफ पेटीज। चलिए, कैसे ये बनता है आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें। पहले हमने क्या किया है, ब्रेस्ट पीस ले लिया है चिकन, जो बोनलेस चिकन होता है वो हमने ले लिया है। मे बी 400 ग्राम चिकन है, उसे हमने ऐसे ही चॉप्ड कर लिया है। रॉफली चॉप अप कर सकते हैं। करके क्या करना है, इसे हमें ब्लेंड करना है। चलिए पहले हम इसे कट कर लेते हैं, फिर हमें इसे ब्लेंड कर लेना है। अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। हमारा जो चिकन जो ब्लेंड होकर पेस्ट बन चुका है, अब आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई हमारा गरम हो चुका है। इस पे हमने 2-3 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को हम गरम होने देते हैं। फिर हम इस पे जीरा डाल दिया है, साबुत जीरा हमने डाल दिया है और हींग डाल दिया है। फिर हमने इसे रफली चॉप कर लिया था ओनियन, एक बड़ा वाला ओनियन हमने लिया है। ओनियन भी हमने इस पे ऐड कर देना है, इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ओनियन हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब हम इस पे 1 टेबलस्पून क्या करना है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देना है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है ओनियन के साथ में। इसमें हमने 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर एंड कुमिन पाउडर। हमें इस सारे मसाले को 1-1 टीस्पून डाल देना है। फिर अच्छी तरह से ओनियन के साथ में मिक्स कर लेना है। हमें इतना भुनना है, 2-3 मिनट के लिए इसे हमें भुनना है, जैसे कि हमारा जो मसाले से जो ऑयल है ऐसे पलट हो जाएगा, तब पता चलेगा कि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे टमाटो पेस्ट। अब चाहे तो घर पे पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। तो इसे हमने 1 टेबलस्पून डाल दिया है टमाटो पेस्ट। इससे बहुत अच्छा कलर आता है। आपको पता नहीं आपको ऐसे कैमरे में कैसे दिखता होगा, बट ये रियल में बहुत अच्छा दिख रहा था, तो अच्छा ही लग रहा था देखने में। तो हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है। बीच बीच में हमें थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर लेना है, क्योंकि ये कढ़ाई पे चिपक जाता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। फिर इस पे हमने कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। हमने पहले इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि इसका जो स्मेल है वो चला जाता है, इसलिए हमने मिडिल पे ऐड किया, जो कि इसका स्मेल जो है बना रहेगा, कड़ी पत्ता का स्मेल। और हमें इसमें पानी भी ऐड करते करते भूनना है। हमने जो चिकन ब्लेंड करके रखा था इसे हमें डाल देना है मसाले के साथ में। और चिकन जो पेस्ट किया हुआ चिकन और मसाला है, इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। मसाले के साथ में इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में हमें इस पे अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड करना है। फिर इसे मिक्स कर लेना है। फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे ढक देना है, जब तक हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमारा जो चिकन वो अच्छी तरह से भून के तैयार है। और इसे हमें थोड़ा सा इसे प्रेस कर लेना है, जैसे कि चिकन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाएगा, क्योंकि वो जब ये पेस्ट बनता है ना, तब वो एक दूसरे को चिपक के रहता है। तो जब हम प्रेस कर लेंगे स्पून से या मैसर से, आप ऐसे वो प्रेस कर ले तो ये अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाएगा। देखिए, फिर हमने इस पर थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड कर दिया है।
अच्छा सा कलर एंड अच्छा सा टेस्ट आएगा। और आपके पास गरम मसाला या चिकन मसाला, कुछ भी आपके पास किसी भी तरह का मसाला अवेलेबल है तो आप इस पर 1 से 2 टीस्पून आप इस पर ऐड कर दीजिए। फिर इस पर हम थोड़ा ऐड करेंगे मेथी पाउडर। इससे क्या होता है ना, चिकन का जो स्मेल होता है वो रहता नहीं है, इसके वजह से वो चला जाता है। तो आप ज़रूर ऐड करें किसी भी तरह का चिकन का कोई बना रहे आइटम, तो मेथी पाउडर ज़रूर ऐड करें। फिर हमने यहाँ पे फ्रोजन वाला गाजर एंड ग्रीन पीस जो होता है, कैरेट एंड ग्रीन पीस, इसे हमने ऐड कर लिया है। इसको भी कुछ सेकंड्स के लिए इसे भून लेंगे, फिर इस पे पानी ऐड कर देंगे और उसको थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा दम दे देंगे। यहाँ पे हमने कोरिएंडर लीफ भी ऐड कर दिया है, चॉप्ड हरा धनिया। तो देखिए कितना टेम्पटिंग, कितना अच्छा बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने पे, और ये पफ पे तो बहुत ही अच्छा मज़ा लगने वाला है। आप घर पे ज़रूर बनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए, एंड कैसे बनता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए ये हमारा रेडी है। फिर हमने ऊपर से फेनुग्रीक जो हमारा कसूरी मेथी है उसे भी हमने ऐड कर दिया है, इससे तो बहुत अच्छा फ्रेगनेंस, बहुत अच्छा खुशबू आता है। तो ये हमने ऐड कर लिया है, अब ये हमारा बनके तैयार है बिल्कुल। बस हम कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे ऐसे दम पे छोड़ देंगे थोड़ा सा पानी देकर, बस ये तैयार है। अब हमारा पफ वाला जो कीमा है, चिकन कीमा, वो ऑलरेडी तैयार है। अब हमने यहाँ पे पफ का जो पेस्ट्री होता है वो हमने ले लिया है सीट, पफ पेस्ट्री सीट। एंड फिर हमें चाहिए हॉट सॉस चाहिए। आपके पास हॉट सॉस ना अवेलेबल हो तो आप ग्रीन चिली भी ले सकते हैं। एंड टोमेटो केचप हमने लिया, यहाँ पे जो हमने कीमा बनाया था वो हमने ट्रांसफ़र कर लिया एक बर्तन पे। एंड मोज़रेला चीज़ चाहिए जो पिज़्ज़ा पे डालते हैं, वो वाला चीज़ चाहिए। बस इतने ही चाहिए हमें पफ पेटीज बनाने के लिए। चलिए हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्या किया, एक छोटे से बाउल पे टमाटो केचप ऐड कर दिया एंड हॉट सॉस भी उस पे ऐड कर दिया है। दोनों को सेम क्वांटिटी पे ले लिया है, फिर से हमने मिक्स कर लिया है, क्योंकि हॉट सॉस थोड़ा तीखा एंड खट्टा होता है एंड केचप तो स्वीट होता है, तो उसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आने वाला है। तो इसे हमने साइड पर रख दिया। अब इसे हम खोल लेते हैं, पफ पेटीज का सीट है उसे एक निकाल लेते हैं। इस पर एक पैकेट पर 10 पीसेस आता है, तो ये हमने ले लिया है। और इसके जो 4 साइड्स है इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा पानी ऐसे लगा लेंगे जिससे कि हमें फोल्ड करने में इजी होगा। फिर मिडिल पे हमने हमारा जो कीमा बनाया था वो हम इस पे रख लेंगे। फिर चीज़ इस पे ऐड कर देंगे, बिल्कुल चीजी वो चिकन जो है ना वो ऐसे बनने वाला है, बहुत ही मुंह पे बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। फिर हमने ऐसे केचप एंड हॉट सॉस का जो मिक्स बनाया था वो हमने ऐड कर देना है। फिर इसे हम स्लोली फोल्ड कर लेंगे, ये बहुत अच्छे से बहुत जल्दी फोल्ड हो जाता है इजीली। फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, लीफ लगा लेंगे। आपके पास है तो आप लगाइए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसे देखने में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बाजार जैसे, मार्केट जैसे ये पफ बन के तैयार होगा। देखिए हमने यहाँ पे बना लिया है, ऐसे ही करके हम कुछ पफ बना लेंगे। ऑलिव वाला भी बना लेंगे और विदाउट ऑलिव वाला भी बना लेंगे।
देखिए हमने यहाँ पे 10 पफ बना लिया है। अब हमें इसे ओटीजी पे रख देना है, 150 टू 180 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसे रखना है। पहले से हमने थोड़ा इसे प्रीहीट कर लिया था, अब इसे हमने डाल दिया है। अब इसे हमने नीचे से वो उसका जो आग होता है वो हमने दे दिया था। अब नीचे से बंद करके नीचे वाला जो है वो हमारा बन चुका है। अब इसे ऊपर से भी हम दे देंगे। देखिए ऊपर वाला जो आग है वो हमने दे दिया है, नीचे से ऊपर से दोनों साइड से बहुत अच्छे से बन के ये बहुत अच्छा फ्लॉपी फूल के तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा रेडी है पफ बन के। देखिए कितना फूला फूला पफ बना है, बहुत अच्छी तरह से फूला है और फिलिंग भी बहुत अच्छे से हमने दिया था। तो ये हमारा रेडी है पफ बनकर, फिर हम इसे निकालते हैं। देखिए फॉइल से बहुत अच्छे से क्लीन लिए छूट जाता है। देखिए हमारा पफ बन के तैयार है। क्या अंदर से भी ये बिल्कुल मसालेदार, पूरा बिल्कुल मसाला, अच्छे मसाला जो अच्छे से हमने दिया था। तो ये बन के तैयार है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टेक केयर।